पूर्व मंत्री नवाब मलिक के भाई इकबाल मलिक के द्वारा चलाए जा रहे अवैध निर्माण के जीएन मार्केट जो सीएसटी रोड कुर्ला पर स्थित है, उसके खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता विनोद सोन कांबले ने महानगर पालिका में कई कंप्लेन किया था, पर अधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता विनोद सोन कांबले ने पुलिस और बीएमसी को 14 जून 2023 को आत्मदहन करने का पत्र सौंपा। इस घटना को अंजाम देने आने वाले विनोद को एल वार्ड पहुंचते से कुर्ला पुलिस ने उन्हें फिल्मी तरीके से गिरफ्तार कर लिया और कई घंटों की कार्यवाही के बाद पुलिस ने आत्मदहन जैसी चीज ना करे कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की सलाह देकर विनोद सोनकांबले को छोड़ दिया। अब देखना है आगे बीएमसी क्या कार्यवाही करती है, या ये अवैध निर्माण काम ऐसे ही चलता रहेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अवैध निर्माण को रोकने के बयान का ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता रहेगा। विनोद भाई क्या हुआ, क्या हुआ? इकबाल मलिक के दहशत के विरोध में जाऊं दे लेटर नहीं मिला था तो इसलिए मैं आज आत्मदहन के तरीके इरादे से ही आया था एल वार्ड में, लेकिन एल वार्ड के गेट पे मैं जैसे ही पहुंचा कुर्ला पुलिस ने मुझे ताबे में ले लिया था और ताबे में लेके कुर्ला पुलिस ने लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने 68 के तहत मुझे अरेस्ट किया था और 69 के तहत मुझे छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे एक समझ दी है कि अगर मुझे जो कुछ भी मेरा प्रकरण है उसको कानूनी तरीके से मुझे फॉलो करने के लिए समझ दी गई है और आत्मदहन जैसा गैर कानूनी काम ना करे, इसकी उन्होंने मुझे समझ दी है और मैं भी समझ गया हूँ उस चीज़ को। आपका पूरा मामला क्या था थोड़ा सा जानना चाहेंगे और जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं क्या? मामला ये था कि माजी मंत्री नवाब मलिक के भाई इकबाल मलिक, इनका केजीएन मार्केट करके सीएसटी रोड पर एक इलीगल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर की मैंने कंप्लेंट की थी इकबाल मलिक ने, मुझे धमकी भी दी थी कोटा पुलिस में, उनके अगेंस्ट में एनसीबी मैंने कराई थी और उनका नोटिस भी मिली थी, लेकिन बीएमसी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी। बीएमसी ने नोटिस देने के बाद में इकबाल मलिक सिटी सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में गए थे, वहाँ पर उनका मैटर डिस्पोज हुआ था। उसके बाद 8 मई और 9 मई को उन्होंने डिमोलिशन अरेंज किया हुआ था, लेकिन महानगर पालिका ने उसका डिमोलिशन किया नहीं, अच्छे से किया नहीं, उनको सपोर्ट किया, संरक्षण दिया बांगवाम को, इसलिए पूरी तरीके से डिमोल्शन होना चाहिए। इसलिए मैंने आत्मदहन का लेटर दिया था मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री, पुलिस विभाग और मनपा विभाग को दिया था और वही कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसके लिए आज मैं 14 तारीख का मैंने अल्टीमेटम दिया था और आज मैं आत्मदहन के लिए भी गया था। उसके बाद एलवर्ड के गेट पर जैसे ही मैं पहुँचा 3:30 बजे तो कुर्ला पुलिस ने मुझे ताबे में लेके पुलिस ने लेके समझ दे के मुझे छोड़ दिया। हाँ, उनकी कार्रवाई से तो मैं संतुष्ट हूँ, पुलिस ने उनकी कार्रवाई की है, मैंने मेरा काम किया, उन्होंने उनका काम किया, अब आगे की कार्रवाई जो भी है वो कानूनी तरीके से होगी। तो किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे, जिस तरीके से आपने जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी वो चीज़ों पे अब तक किसी तरीके की कार्रवाई हुई है? हाँ, अभी नगर विकास विभाग मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया, आज ही मुझे मेल आया है और उसमें महानगर पालिका आयुक्त को और जो भी संबंधित अधिकारी हो उनको लिखित पत्र द्वारा कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि महानगर पालिका का जो नियम है, जो कानून है, उस कानून के तहत जो भी कार्रवाई है हो जानी चाहिए, उसे संबंधित अधिकारी जो किरण अन्नमार और विशाल चौधरी जो सपोर्ट कर रहे, संरक्षण दे रहे, उनको निलंबित किया जाए और बाकी की जो भी निष्कासन की कार्रवाई है वो कानून मनपा नियम के अनुसार होनी चाहिए।